तेज आंधी और बारिश के कारण ईंट का कार्य करने वाले कुम्हारों को हुआ भारी नुकसान। तेज बारिश के कारण कच्ची ईंट हुई खराब। जो ईंटें बनाने में एक महीने का समय लगता था, जो ईंटें अंतिम चरण में थी बनने के, तेज बारिश के कारण ईंटें हुई खराब। असमय बारिश के कारण ईंटें हुई खराब। प्रशासन की ओर से कुम्हारों को जो नुकसान हुआ है, उन नुकसानों का मूल्यांकन करने पटवारी को पहुंचाया। पटवारी दिलीप पटेल मौके पर पहुंचे। वहीं दिलीप पटेल पटवारी के द्वारा कहा गया है शासन के नियमानुसार उन्हें राशि मिलेगी। वहीं कुम्हारों का कहना है कि लाखों रुपये की ईंट हुई है खराब। वहीं पटवारी के द्वारा मूल्यांकन का कार्य किया जा रहा है। सर, मेरा नाम विजय बोले है। क्या काम करते हैं? सर, ईंट बनाने का काम करते हैं। कल हुई बरसात के बाद क्या नुकसान? सर, कल हुई बरसात ने सर पूरी कुम्हारों की कमर ही तोड़ दी सर। पहले क्या छोटे मोटे छींटे मेटे आते सर, इस बार इतना अनाधुन पानी आया सर, जिससे कि हर कुम्हार की कम से कम सर एक एक लाख ईंटें गली है करीब करीब। सर, आप ये देख लीजिए ना, यहाँ पर चारों तरफ ईंटें सर जो पड़े हुए सब ईंटों का ढेर लग गया सर। सब ईंटें मट्टी बन गई है सर। मट्टी की खैर आती है, बाकी सर जो अपन बनाते पूरी मेहनत पानी में फिर गई सर। एक ईंट की लागत कम से कम सर 3.5 रुपए की है, पूरी सर पानी में बह गई सर। कितना टाइम लगता है सर? एक ईंट को सर स्टार्टिंग से बनाने से पकाने तक 1 महीना लगता है सर, एक ईंट को अगर देखा जाए तो। सर, कौन से स्टेज में थी जो ईंटें खराब हुई जी? सर, कब तक थी? आखिरी स्टेज में थी क्या सर? ये लास्ट स्टेज सर, ये लास्ट का महीना है सर। दिलीप पटेल पटवारी बड़वानी कस्बा बड़वानी। कल आकस्मिक बारिश होने से ईंट भट्टों को, कच्ची ईंटों को नुकसान हुआ है, उनका मूल्यांकन करने के लिए आया हूँ। शासन जो भी इनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए उन्हें वहां दी जाएगी। आरपीटीवी न्यूज की खबर पाने के लिए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाए, साथ ही बेल आइकन भी दबाए नोटिफिकेशन के लिए। जय न्यूनतम दरों पर कुरियर सर्विस संपूर्ण भारत में। हमारा पता अक्षदा कुरियर, MG रोड, साई राम जींस की गली में बड़वानी।